मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि 2000 रुपए का जो नोट है आपको बदली करवाना है बैंक में जाके। तो क्या है पूरा मांजरा, यही पूरा समझेंगे। तो RBI का एक क्लीन नोट पॉलिसी होता है, उसके अंतर्गत हर एक नोट का लाइफ स्पेन होता है कि कितना साल तक ये नोट मतलब चलाना चाहिए। तो उसके अंतर्गत 2017 में आरबीआई के द्वारा जो 2000 का नोट था उसको लागू किया गया था और अब इसका लाइफ स्पेन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ये अभी भी लीगल टेंडर रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। सिर्फ इसका जो सर्कुलेशन होता है, मतलब आदमी के बीच, बैंक के बीच जो इसका सर्कुलेशन है, मतलब एक दूसरे के साथ हम लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं, ये चीज खत्म होने वाला है। आरबीआई सारे बैंकों को ये गाइडलाइन दे चुका है कि अब जो ये 2000 का नोट है वो आपको रिटर्न लेना है कस्टमर से और इसको सर्कुलेशन को बंद करना है। तो आप लोग को क्या करना है कि 23 मई से इसका जो एक्सचेंज वाला सिस्टम है वो स्टार्ट होने वाला है और ये आपका 30 सितंबर तक चलेगा। तो इस टाइम के बीच में आपको अपना जो मतलब जितना भी पैसा होगा 2000 का नोट वो जाके अपना बैंक में एक्सचेंज करा लेना है। अगर आप बैंक मतलब अगर आप कोई ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी एक अकाउंट में 20000 रुपये की राशि को मतलब एक्सचेंज कर सकता है। मतलब एक बार में आप समझिए 20000 रुपया यानी 10 नोट एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कोई ब्रांच में जाते हैं, जैसे कि BC होता है, मतलब गांव वगैरह में BC दिया जाता है जहां पे हम लोग अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं, तो वहां पे आप 4000 रुपये ही एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब दो नोट। यानी कि अगर आप बैंक जाते हैं तो आपको 10 नोट चेंज कर सकते हैं और आप अगर BC ब्रांच जो मिलता है आपको गाँव में उसमें जाते हैं तो आप सिर्फ दो नोट एक्सचेंज कर सकते हैं एक आदमी एक अकाउंट में। और इसका डेट स्टार्टिंग जो है 23 मई से स्टार्ट हो रहा है और आपका लास्टिंग होगा ये 30 सितंबर तक। तो इस बीच में आपको ये नोट जो भी है 2000 का वो आपको एक्सचेंज करवा लेना है और उसके बाद आपको जैसे एक्सचेंज पूरा हो जाएगा उसके बाद ये नोट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये नोट बंद हो रहा है, नोट रहेगा लेकिन इसका जो वैल्यू रहता है वो भी रहेगा, लेकिन जो इसका सर्कुलेशन रहता है बस RBI उस सर्कुलेशन को बंद कर रहा है। मतलब किसी भी इंसान को अब ये नोट देखने के लिए नहीं मिलेगा और ये बैंक इसको जमा कर लेंगे। और इसका जो नया नोट इशू होता है 2000 का वो भी RBI बैंकों को बोल दिया है कि अब नया नोट इशू नहीं करना है। तो आपको जितना भी जल्दी हो सके अपना नोट को एक्सचेंज करा लेना है। आप एक दिन में दो मतलब अगर BC ब्रांच में जाते हैं तो दो नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं और वही अगर आप बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बैंक जहां पर सामने का ब्रांच हो वहां पे जाते हैं तो आप एक दिन में 10 नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपके लिए हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।